देवास में नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट सामने आने पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें आगामी कार्यों की योजनाओं को लेकर बड़ा चढ़ाकर जिक्र किया गया है। वचन पत्र में 3 नए झोनल कार्यालय, बुजुर्गों और विकलांगों को घर पहुंच सेवाएं, उज्जैन चौराहे से नागुखेड़ी चौराहे तक फोरलेन सड़क, नवीन बस स्टैंड का निर्माण कार्य सहित योजनाएं शामिल हैं। वहीं वचन पत्र के बाद कांग्रेस ने भाजपा की चुटकी लेनी शुरू कर दी है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने भाजपा के वचन पत्र को घोषणा पत्र बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई योजनाएं हमारे समय की लाई गई हैं, भाजपा घोषणा पत्र के आदी है और बड़ी सफाई से झूठ बोलती है। उसमें हम जो माता जी की टेकरी पे दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए कुछ रूम, उनके आराम करने के लिए कुछ सराय का ही स्वरूप एक मॉडर्न बेहतर तरीकों के साथ हम उसे करने जा रहे हैं। हमने रियासतकालीन कुछ भवनों का भी जीर्णोद्धार किया है, मल्लार स्मृति हो, विक्रम सभा भवन हो और अरीना है जो पुलिस ग्राउंड के पास अरीना है, उसको भी हमने नवीनीकरण किया है और उसका जीर्णोद्धार करके पुरानी इमारतों का भी हमने संरक्षण करके उनका जीर्णोद्धार करने का काम किया है। नया शब्दाग्रह भी लगाया है, विभिन्न स्थानों पर 10 संजीवनी क्लिनिक भी लगने जा रहे हैं अलग अलग वार्डों में, संजीवनी क्लिनिक, ताकि हर वार्ड से एमजी हॉस्पिटल पर दबाव ना बने, एमजी हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए सबको भागने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से नगर निगम के 3 जोनल कार्यालय 3 जोन में बनने जा रहे हैं, तो उन 3 जोन में 3 कार्यालय जब बनेंगे उनमें सब सुविधायुक्त वो कार्यालय होंगे। उनका वचन पत्र नहीं है, उनकी घोषणा पत्र है, क्योंकि वो लोग घोषणा करने के आदि हैं और मैं समझता हूँ कि घोषणा महापौर जी को करना चाहिए थी जो प्रत्याशी है, वो कहाँ थी? ये वचन तो या घोषणा महापौर प्रत्याशी ने करना चाहिए जो चुनाव लड़ रहा है। चुनाव गायत्री राजे जी या अन्य जो दल के अध्यक्ष हैं या अन्य नेता हैं वो थोड़ी लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जो मैंने अभी उनका पढ़ा है घोषणा पत्र, कितनी साफ गोई से झूठ बोला है कि 6 लेन का काम, ओवर ब्रिज का काम ये लोग करा रहे हैं। 10 बार नहीं, 1000 बार हम कह चुके हैं, प्रूफ दे चुके हैं कि माननीय सज्जन वर्मा जी इन पैसों को लेके आए हैं 250 करोड़ रुपए को, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं कि हम लेके आए, हम काम करा रहे हैं? तीसरी बात, इन्होंने ये कहा घोषणा पत्र में कहीं नजूल की NOC और पेकी के प्लांट का उल्लेख तक नहीं है। अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गए आप लोग? हमें याद है, हम देवास के पैदाइशी हैं, हमें याद है सब कुछ जो मुख्यमंत्री ने कहा था जवाहर चौक में कि नजूल की NOC में उपलब्ध कराऊंगा, पेकी के प्लाट की समस्या हल करूंगा और भ्रष्टाचार सुभाष शर्मा तुम मत करना। शायद ये तीनों चीजें लील गए भाजपा के नेता, खा गए, क्योंकि उनको नजूल की NOC देना नहीं, अच्छा भारी भरकम भ्रष्टाचार हो रहा है। अध्यक्ष जी का फोटो इसलिए नहीं लगाया कि शायद इनके चेहरे जनता के सामने उजागर हो चुके हैं। मुझे लगता है कई बार पुतले भी जले हैं तथाकथित नेताओं के, और अच्छा किया इनके फोटो नहीं लगा कि भाजपा का वोट बैंक शायद बढ़ जाएगा इन दोनों के फोटो नहीं लगने से। खैर, ये इनका इंटरनल मैटर है।